वहीं उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में एक बस पानी के बीच फंस गई, जिसके बाद यात्रियों को छत के जरिए कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। वो पहल जिससे तोड़ दिए लोगों ने, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उत्तराखंड में भारी बरसात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। हिमाचल प्रदेश से देहरादून जा रही रोडवेज की बस रपटे पर पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस में सवार 30 यात्री घबराकर छत पर चढ़ गए और सभी ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को बहाव से निकाला और फिर बस को ट्रैक्टर के जरिए बाहर किया गया। यहाँ से लेके आता ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। लोगों के मुताबिक त्रिवेणी घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में करीब 3 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ा हुआ है। सरकार ने लोगों से आवाजाही करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 जुलाई को कुमाऊं, गढ़वाल और चमोली के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।